और अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, वजीर दाखिला बलोचिस्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। गर्दों की हाथों हमारे जवानों के साथ लड़ाई हो रही है और जवानों अपनी जानों का नजराना इस मुल्क के लिए पेश कर रहे हैं। अगर इसी तरह हमारे जवान अमानी फोर्सेस इस मुल्क के दहशतगर्दों के खिलाफ कोई कार्रवाई करते तो हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस हमारे यहाँ के लोग उसको जो है उनके खिलाफ हड़ताल भी करते, उनके खिलाफ असेंबली में जो है वो भी जमा करवाते और उनके खिलाफ जलसे जुलूस भी करते। लेकिन हमारी मॉरल करेक्टर इस तरह है कि हम इस मुल्क की हर चीज़ को यूज़ करते हैं, इस मुल्क के वसाइल को इस्तेमाल करते हैं। जब हम इस मुल्क के वसाइल को कहीं लगाते हैं तो उधर अपना तख्ती लगाते हैं कि मैंने इस 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ से एक चीज़ बनाया है, आप लोग के लिए लाया है, आप लोग मुझे वोट दें। लेकिन इतने बड़े हादसे के बाद चाहिए आप इसको सिक्योरिटी के मसाइल कहें, सिक्योरिटी लैप्स कहें, तनकीद अपनी जगह, लेकिन कम से कम अपने इन जवानों के शहादत पर हमें इजहार अफसोस जो है वो हमें हमारा अखलाकी फ़र्ज बनता है, जिसमें मैं समझता हूँ बहुत से वो लोग जो इस मुल्क से उनका हर चीज़ वाबस्ता है और इस मुल्क की हर चीज़ को हम अपना अपनी उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जहाँ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग दहशतगर्दी का शिकार होते हैं उनके लिए हम मेरे ख्याल में बोलना भी कुछ लोग मुनासिब नहीं समझते। बिल्कुल जारी। क्वेटा में वज़ीर दाखला बलोचिस्तान ज़िया लांगू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे नौजवानों की शहादत पर हमें अफसोस है।